हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आ गए एक और न्यू वीडियो में जो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छे इवेंट्स के बारे में बताया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मिनी यूजी के बारे में बात करेंगे जो नेक्स्ट हमारी गन होगी। आई थिंक ये इसी टाइप के इवेंट में आएगी या फिर फ्री में भी दे सकते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं। जो वन डैमेज है ये तो वन डैमेज और डबल एक्यूरेसी, वैसे भी इसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो नेक्स्ट एक्यूरेसी में आएगी तो बहुत ही अच्छा होगा और काफ़ी जहर चलेगी ये गन। तो आएगी तो किस टाइम आती हम देखेंगे हमारे इंडियन सेलेक्ट में। तो नेक्स्ट है हमारा टोपो इवेंट जर्सी का, जो स्कोरर जर्सी टाइप से है लेकिन बहुत ही अच्छी जर्सी है। तो यह हेट है जो रेड कलर की है, जो वोकॉन्ग बना है इसलिए सूट नहीं कर रहा बराबर, लेकिन बहुत अच्छी टी शर्ट है। तो टोपो इवेंट में आएगी या फिर किसी और इवेंट में, लेकिन कब तक आती है हमारे यहाँ देखते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक बंडल है जो इंडोनेशिया से लेकर आ चुका है, तो वो दो टाइप के इवेंट में आया है लेकिन एक ही बंडल है दूसरे सर्वर पे। देखते हैं हमारे यहाँ किस टाइप से एक ये जो इस टाइप के इवेंट में आया तो समझो अपने डायमंड की वाट लग जाएगी, मतलब तो बहुत ज़्यादा डायमंड खाता है ये इवेंट, ठीक है। तो बंडल तो बहुत ही अच्छा है, आप लोग देख सकते हो इसका पीछे का जो एनिमेशन है, जो पीछे पंख टाइप के लगे हैं, और ये आई की जो फेस पेंट है आई की, वो ही काफ़ी अलग ही खतरनाक अलग लेवल की लग रही है। इस टाइप के इवेंट में आ सकता है या फिर एक और दूसरे सर्वर पे किसी दूसरा इवेंट आया है, लेकिन यही बंडल है तो आई थिंक वो देंगे तो सस्ता पड़ेगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखो आपको दिखा देता हूँ, इस टाइप के इवेंट में आया है जो गोल्डन लग करके है। इस टाइप के इवेंट में चांसेस ज़्यादा होते हैं कि कम डायमंड में लग जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा न्यू ईवो गन, जो आपको देख के पता भी नहीं चलेगा कौन सी गन है। आपको जो पता चले तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लास्ट में फिर बता देंगे दूसरे वीडियो में। यह है ईवो गन स्किन जो काफ़ी जहर, मतलब कौन सी गन है आप लोग बताना जरूर, ठीक है। P19 है, फेमस है, या फिर M10 कौन सी आप बताना, ठीक है। यह है लुक, तो इमोट इसका देखेंगे। इमोट तो काफ़ी जहर है, सबसे खतरनाक वाला इमोट। ये तो मास्क पहन रहा है, फिर उड़ा दे रहा है, सारे बताएंगे जिस टाइप से अपडेट। यह है किल इफेक्ट, जो किसी को मार दोगे तो इस टाइप की उसकी बॉडी जाएगी। और यह है हीट इफेक्ट, और ये अनाउंसमेंट ऐसा होगा, और यही ईवो गन की यही खासियत होती है कि सब कुछ अलग ही होता है, ठीक है। तो अब कंफर्म नहीं बता सकता कि ये कब तक आ जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईवो गन कोई भी हो, जो होगी वो ये होगी, ठीक है। इसका नाम मैं नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो इसका इमोट फिर से देखेंगे हम, जो किस टाइप से इसमें अच्छे तरह से दिखता है। देखो पूरा मास्क लगा रहा है रेड कलर का, और हाथ में गन ले रहा है, काफ़ी खतरनाक है ये इमोट। और ये ईवो गन सबसे अच्छा इमोट है ईवो गन स्किन का, एक ड्रैगन एक का था और ये दूसरा ये है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, आप कमेंट में बताना कौन सी गन है और ये इमोट कैसा लगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ आएगा, ज़रूर आएगा नेक्स्ट ईवो गन, यही रहेगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट है इवेंट हमारा M4A1 का, जो काफ़ी पहले ब्लू वो इंक्यूबेटर में आया था, जो ब्लू प्रिंट निकाल के बहुत ही डायमंड लेता है, और ये रिटर्न में दिया है सिर्फ एक गन, वन डैमेज डबल रेट ऑफ फायर। ये इंक्यूबेटर में देखने जाए तो एक जो फ्री में गन थी वही सेम टू सेम है, सिर्फ लुक अच्छा है। वो हो तो डायमंड नहीं हो तो परचेस करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा इवेंट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इवेंट है हमारा डायमंड, जिस तरह से हम SC का टॉप अप करते हैं तो इतना डायमंड मिलते हैं, उस टाइप से अब उसमें प्लस देंगे, ठीक है। जो 100 डायमंड का टॉप अप करें तो प्लस 100 में देंगे, 300 डायमंड का टॉप अप करेंगे तो प्लस 200, इस टाइप से डबल। आप समझ रहे हो ना मैं क्या करना है, आप चाहे तो एडिट कर सकते हो। एक आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ,
पोस्ट करके आप एडिट कर लेना कि किस टाइप का इवेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट लास्ट इवेंट है हमारा मिस्ट्री शॉप में, जो पहले भी आया था इस टाइप से एक डायमंड में, क्या है हमारा एडिट पास इसमें। तो दूसरा भी एक मैंने सर्वर चेक किया था, उसमें भी मिस्ट्री शॉप आया, लेकिन उसमें भी एलाइट पास नहीं है। मतलब इस बार का एलाइट पास डिस्काउंट में आपको नहीं मिलेगा, हो सकता है मिल भी जाए, तो मिल जाए तो अच्छा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह से मैं न्यू इवेंट्स के बारे में बताता हूँ, तब तक के लिए बाय।